पहाड़ों के बीच में दो नदियों के संगम पर एक मंदिर बना हुआ है। इतने शमिक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। देखिए दोस्तों, जब यहाँ बाढ़ आती होगी तो ये मंदिर तक पहुँचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता होगा। वो मंदिर है, ये मंदिर है, ये छोटी सी नहर है, इसको पार करके वहाँ तक पहुँचना है। हाँ, मेरी गाड़ी पार्क है, वहाँ सामने एक दुकान है, रेस्टोरेंट टाइप है छोटा सा, और वहीं मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। इस स्थान पर क्यों बनाया, और किसी स्थान पर भी तो बनाया जा सकता था। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये मंदिर यहाँ पर तब बना होगा जब ये चट्टान उस पहाड़ से जुड़ी हुई होगी। अब सोचिए कितने वर्ष लगे होंगे इस चट्टान को उस पहाड़ से अलग होने में। धीरे उस नाग का शरीर जलने लगा, परंतु उसने महादेव का ध्यान नहीं छोड़ा और वो यहाँ आकर दर्शन कर सके, आराधना कर सके। यह और कोयराला नदी का संगम है, नाग देवता वहां पर वास करते हैं नीचे इस मंदिर के बीचों बीच, और कभी कभी इस नदी के पानी को भी वो रोक दिया करते थे। पानी में तैरता हुआ एक रहस्यमयी शिव मंदिर, जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है महाभारत कालीन एक नाग के साथ, जिसने यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की थी अघोर तपस्या। वहां जाना है दोस्तों मुझे, और माना जाता है कि नाग देवता कभी इस भूमि पर दो नदियों के संगम में वास किया करते थे, जिनको शांत करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और कभी अभी ये शॉप है, और यहां से मैं नीचे जाऊंगा और आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों ये दृश्य अति दुर्लभ और अद्भुत है। पहाड़ों के बीच में दो नदियों के संगम पर एक मंदिर बना हुआ है। सोचिए क्या इतिहास रहा होगा इसका। पिथौरागढ़ जाते समय उत्तराखंड में मुझे ये मंदिर दिखा, दूर सड़क से काफी दूर। वहां तक पहुंचने का रास्ता तो अब है नहीं, मतलब आपको अब ऐसे ही खड़ंजों से होते हुए जाना पड़ेगा, तो मुझे लगा क्यों ना एक बार इस मंदिर का इतिहास जाना जाए। तो पहले चलते हैं वहां और फिर आपको बताता हूं इससे जुड़ी एक जनश्रुति के बारे में जो आपको चौंका देगी। इस मंदिर को देखने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया ये जानने का कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्यों किसी ने बना दिया इस दुर्गम क्षेत्र में इस मंदिर को, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे एक यहाँ के स्थानीय निवासी मिले, जिन्होंने मुझे इसका महाभारत कालीन इतिहास बताया जो जनश्रुतियों पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों इस मंदिर का इतिहास तो अब समय के साथ ओझल हो चुका है, परंतु जो मुझे ज्ञात हुआ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और गारंटी करता हूं कि इस मंदिर का इतिहास आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस मंदिर तक जाने का रास्ता ऐसे तो वहां से भी है दोस्तों, पर वो बंद किया हुआ है, तो अब यहीं से जाना होगा। तो दोस्तों एक जनश्रुति इस मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़ती है। माता कद्रु जो ऋषि महर्षि कश्यप की भार्या थी, उन्हें समस्त नागों की जन्मदाती माना गया है। उनके 1000 नाग पुत्रों में से एक थे पिंगल नाग। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, पिंगल नाग। वैसे पिंगल शब्द का उपयोग भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का स्वरूप दर्शाने के लिए भी किया गया है, रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्त्रोत में। पिंगल का अर्थ संस्कृत में होता है लाल भूरा, और ऐसा ही एक नाग, लाल भूरे स्वरूप का एक नाग उस चट्टान पर वास करता था जहां मंदिर बना हुआ है आदिकाल में। सोच के देखिए, लाल भूरे रंग का भयानक नाग। महाभारत काल में जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा अर्थात स्वर्ग रोहिणी के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वो अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं। राजा परीक्षित के कारण ही कलियुग का प्रकोप आरंभ में क्षीण रहा, परंतु 60 वर्षों तक शासन करने के बाद कलियुग के प्रकोप का असर दिखा और राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया, जिस कारण श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दिया, और फिर 7 दिवस पश्चात तक्षक नाग ने उन्हें आकर डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन उनके पुत्र जनमेजय को मिल गया, और फिर आरंभ हुआ प्रतिशोध। सामने बना हुआ है मंदिर, अब सोच के देखिए दोस्तों, जब यहाँ बाढ़ आती होगी तो ये मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता होगा। ये देखिए मेरे पीछे पूरा ये नदी है, और नदी में ही बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। अभी तो यहाँ पानी नहीं है,
तो आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही बाढ़ आएगी या पानी आएगा तो मंदिर तक पहुंचना लगभग असंभव बिना नाव के। अब जब राजा जनमेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर सभी नागों का अंत करने का प्रण लिया और उस समय सभी लोग नागों के विरुद्ध हो गए थे। एक समय जहां नागों की पूजा होती थी वहीं अब प्रजा राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद नागों की शत्रु बन गई थी, क्योंकि राजा परीक्षित एक बहुत ही धार्मिक, पराक्रमी, न्यायवान और दयालु राजा थे जिससे प्रजा बहुत प्रेम करती थी। छोटी सी नहर अभी है यहाँ पर, ये है छोटी सी नहर जिसे मुझे पार करना होगा। वैसे वहाँ पुल भी है पार करने के लिए और गाड़ी नहीं जाएगी उस पर। इसको पार करना है। ये नहर है, वो मंदिर है, ये मंदिर है, ये छोटी सी नहर है, इसको पार करके वहाँ तक पहुँचना है। या वहाँ पत्थर हैं, पत्थरों पर से जंप मार के पार कर सकता हूँ। दोस्तों ये ट्रक आएगा थोड़ी देर के लिए, पानी रोक देगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा जाना। फिसलने की संभावना बहुत है, यहाँ मछलियाँ भी है छोटी छोटी। ये ट्रक जा रहा है, ये ट्रक तो मुड़ गया। आ गए दोस्तों पानी के बाहर, ये पानी है और शूज़ अब क्योंकि मैं पहन सकता नहीं, मोजे गीले हो जाएंगे। अब मुझे नंगे पैर थोड़ा चलना होगा और मेरे को कंकड़ पत्थर भी चुभने का खतरा है यहाँ पर, वो है मंदिर। निकल के बाहर आ गया हूँ, अब मुझे लग रहा है गीले मोजे ही पहनने पड़ेंगे, कत्ता चुभ गया कंकड़। अरे दोस्तों वो है, छोटी सी नदी पार कर ली है और अब जा रहे हैं और वहाँ मेरी गाड़ी पार्क है, वहाँ सामने एक दुकान है, रेस्टोरेंट टाइप है छोटा सा, अभी वहीं मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और अब आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही अनोखे मंदिर के दर्शन कराने, बोला जाए तो। मतलब इस मंदिर तक तो पहुँचना आपको संभव नहीं है, देखिए पूरा यहाँ पर नदी है, कैसे पहुँचेगा कोई इस मंदिर तक, सोच के देखिए आप। और क्यों बनाया मंदिर यहाँ पर, इसी स्थान पर क्यों बनाया, और किसी स्थान पर भी तो बनाया जा सकता था, वहाँ कहीं ऊपर या पास में कहीं पीछे जैसे ये है यहाँ बना देते, यहाँ पर ही क्यों बनाया इस मंदिर को। बहुत सारे मंदिर हमारे ऐसे ऐसे अनोखे स्थान पर बने हुए हैं जिनके बारे में जानना असंभव हो जाता है, परंतु उत्सुकता भी इसी कारण चरम सीमा पर होती है कि क्या रहस्य रहा होगा। अब दोस्तों सनातन धरा का सबसे प्राचीनतम धर्म है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी के अन्य किसी कोने पे कोई रहा ही नहीं करता होगा, वो लोग रहते होंगे, परंतु जम्बू द्वीप में जो लोग रहा करते थे वो थे देवता, किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व और मानव जो बहुत ही शिक्षित थे, जो विकसित थे। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्म ऋषियों से, देवताओं से, गंधर्वों से, यक्षों से, नागों से ज्ञान अर्जित किया और फिर ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज़ें बनाई जिसके बारे में जानना आप तो असंभव है, और उन्हीं में से एक है ये भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये मंदिर यहाँ पर तब बना होगा जब ये चट्टान उस पहाड़ से जुड़ी हुई होगी। अब सोचिए कितने वर्ष लगे होंगे इस चट्टान को उस पहाड़ से अलग होने में, रिसाव, कटाव, पानी का तेज बहाव, परंतु अचंभित करने योग्य बात तो यह है कि ये चट्टान यहाँ पर आज तक कैसे उपस्थित है। यदि रिसाव और कटान से पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा गायब हो गया तो ये चट्टान क्यों गायब नहीं हुई। अब इसे आप अंधविश्वास माने या कोई ब्रह्मांडीय शक्ति, कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास तो इस स्थान का रहा होगा कि ये चट्टान आज भी यहाँ पर उपस्थित है, परंतु इससे जुड़ा हुआ पहाड़ का वो हिस्सा अब गायब हो चुका। और कितने वर्ष लगे होंगे, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं दोस्तों एक पहाड़ को अपने स्थान से गायब होने में, और वो भी पानी के बहाव से, रिसाव से,
कोई ना कोई शक्ति तो यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। अब समस्या ये है कि कोई भी अपने इतिहास को और इन शक्तियों के बारे में जानना नहीं चाहता। यदि कोई जानना ही नहीं चाहता तो ये शक्तियाँ सामने दर्शन देने क्यों आएंगी? बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखिए, पीछे से पहाड़ की चोटी, आगे भी पूरी पहाड़ की चोटी, वो है मेन रोड और उस पर बना है ये रहस्यमयी मंदिर। यहाँ पर चढ़ने के लिए, मंदिर में जाने के लिए ये है स्थान। एक और मंदिर के दर्शन कराने के लिए और करने के लिए, लगता है कोई है नहीं यहाँ पर। भोलेनाथ की प्रतिमा है, ये छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर है। क्षतिग्रस्त मंदिर ये हुआ होगा पहले, तभी इसका जो है रिनोवेशन चल रहा है। ये दो नदियों के संगम पर है। एक नदी देखिए वहाँ से आती है, जब ऊपर बारिश होती होगी, भयानक वाली वर्षा जब होती होगी, तभी एक नदी यहाँ से आती होगी और एक नदी वो सामने से आ रही है जो मैंने अभी पार की है। और बहुत समय पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा, अब तो कुछ कहना संभव है नहीं। ये है मंदिर। कभी आदिकाल में यहाँ पर वो चट्टान जो है वहाँ से इस मंदिर से उसका कनेक्शन रहा होगा। वो चट्टान जो है ना, उस चट्टान पे से लोग यहाँ आते होंगे और तभी इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया गया होगा। कई बार क्षतिग्रस्त हुआ होगा ये मंदिर और अब ये थोड़ा नया है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा नया है इसका, परंतु बहुत ही दिव्य स्थान है, दिव्य स्थल लग रहा है बिल्कुल। ये भोलेनाथ की है प्रतिमा यहाँ पर, ये देखिए। इस स्थान की दिव्यता को आप यहीं पर ही महसूस कर सकते हैं, यहीं आकर। ऐसे वीडियो में समझना असंभव है। देखिए वो नदी आ रही है, देखिए वो नदी है ना, वो है संगम। देखिए वो संगम है, ये है संगम। और जब ये नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता होगा और जब इस नदी में पानी अत्यधिक बढ़ता होगा तो ये संगम यहाँ होता होगा, इस स्थान पर संगम होता होगा, इस स्थान पर। और तब अभी तो संगम वहाँ है, यहाँ है संगम। ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि कभी ये भी कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग की तरह एक संगम होता होगा दो नदियों का, परंतु निरंतर कटान की वजह से जो इस चट्टान का कनेक्शन था उस पहाड़ से, वो टूट गया, वो बह गया और अब ये जो मंदिर है ये नदियों के बीचों बीच आ गया है। तो दोस्तों वापस आते हैं इस मंदिर के इतिहास की तरफ। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा होने के पश्चात उनके पुत्र जनमेजय ने नागों के संहार के लिए एक यज्ञ का आरंभ किया। इधर राजा जनमेजय ने सर्प सत्र नामक नागों के नाश के लिए यज्ञ का आरंभ किया, उधर प्रजा ने भी नागों को मारना आरंभ कर दिया। यहाँ नाग स्वयं ही उस यज्ञ में आकर भस्म होने लगे और नागों और सर्पों को लोग अन्य स्थानों पर भी मारने लगे। आपने ऐसे बहुत से स्थानों के बारे में सुना होगा जिनका नाम नाग दाह हुआ करता था। कभी उन्हीं स्थानों पर लोग नागों को मारते थे। आपने कालिया दाह के बारे में तो सुना होगा, एक स्थान है वृंदावन के पास, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था। उसी प्रकार अन्य स्थानों के नाम भी नाग दाह के नाम से हुआ करते थे। अब जो नाग इस स्थान पर वास करता था उसका नाम था पिंगल नाग और वो भी यज्ञ की ओर खींचा जा रहा था। तब उसने भगवान शिव का स्मरण आरंभ किया और भगवान शिव के तप में विलीन हो गया। यज्ञ के असर से धीरे धीरे उस नाग का शरीर जलने लगा, परंतु उसने महादेव का ध्यान नहीं छोड़ा। उधर महान ऋषि आस्तिक ने नागों का संहार करने वाले इस यज्ञ को रुकवा तो दिया, परंतु तब तक
पिंगल नाग जो यहाँ पर वास करता था, ध्यान में विलीन होने के पश्चात भी उसका शरीर पूरी तरह से घायल हो चुका था, जल चुका था, छिल चुका था और पिंगल नाग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब भगवान महादेव ने यहाँ पिंगल नाग को दर्शन देकर उसे ठीक किया, उद्धार किया उसका और महाताल जो पाताल सुताल अतल में से एक है वहां जाने का आदेश दिया और वहां पर वो क्रोधवश नामक अनेक सर वाले नागों का राजा हुआ। अब क्योंकि पिंगल नाग को महादेव ने इसी स्थान पर दर्शन दिए थे तो उस समय के निवासियों ने यहाँ पिंगल नाग की एक समाधि बनाई जो आज भी इस चट्टान के नीचे उपस्थित है और इस चट्टान के ऊपर उन्होंने महादेव के एक मंदिर को स्थापित किया जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पिंगल नाग के समर्पण के बारे में ज्ञात हो सके और वो यहाँ आकर दर्शन कर सकें, आराधना कर सकें और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें। अब दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहां आसपास बहुत से नागों के मंदिर हैं, पहाड़ों में नागों की अत्यधिक पूजा की जाती है जो यह दर्शाता है कि आदिकाल में यहां नागों का काफी प्रताप था और उनकी पूजा भी की जाती थी। अब यहां पास में ही एक बेरी नाग का भी मंदिर है पिथौरागढ़ में और एक कारकोटक नाग का भी मंदिर है जो उन उत्तम नागों में से एक है जो माता कदरू की ही संतान थी। अब सच्चाई क्या है यह तो बता पाना असंभव है क्योंकि ये आदिकाल की बात कर रहे हैं, जनश्रुतियों में सुनी सुनाई बात आप बोल सकते हैं, परंतु दो नदियों के संगम पर एक दुर्गम क्षेत्र में बना ये मंदिर स्वयं में अद्भुत है। तो दोस्तों ये है लदिया नदी, यदि हम ऐसे खड़े हों, हम पीछे खड़े हों अगर यदि हम, तो सामने जो है वो है लदिया नदी और ये इस तरफ है कुएराला नदी और ये जो मंदिर स्थापित है ये लदिया नदी के बीचों बीच स्थापित है। वो संगम है सामने, वो देख रहे हैं, वो लदिया और कुएराला नदी का संगम है और ये लदिया नदी है तो ये मंदिर लदिया नदी में स्थापित है और संभव है कि ये कुएराला ना हो बल्कि ये लदिया हो। अभी इसमें थोड़ा सा मैं अनश्योर हूँ, हो सकता है कि वाईसी वर्षा हो, ये लदिया हो और ये कुएराला हो, तो वो बाद में आप स्वयं आपको देखना होगा। और ये संगम पे बना हुआ मंदिर है, मंदिर के नीचे नाग देवता का वास है, नाग देवता के कारण ही इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है, नाग देवता वहां पर वास करते हैं नीचे इस मंदिर के, वो भी दिखाऊंगा आपको अभी स्थान। ये संगम रहा होगा, फिलहाल ये संगम वहां चला गया है, परंतु जब बाढ़ आती है तो बहुत ही भयानक बाढ़ आती है यहाँ पर और ये संगम बन जाता है और यहाँ नीचे नाग देवता वास करते थे आदिकाल में और आदिकाल में उन्हें नाग देवता को शांत करने के लिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऐसा मानना है स्थानीय निवासियों का कि यहाँ पर पहले नाग देवता वास करते थे इस नदी के बीचों बीच और कभी कभी इस नदी के पानी को भी वो रोक दिया करते थे और इतनी बाढ़ आती थी कि आसपास का पूरा क्षेत्र ही तबाह हो जाया करता था, परंतु जब से इस मंदिर का निर्माण किया गया है नाग देवता शांत है और भयानक वाली बाढ़ आती तो है परंतु नुकसान उतना नहीं होता जितना आदिकाल में होता होगा। ये है दोस्तों एक तैरता हुआ मंदिर, ये देखिए मेरे पीछे देखिए। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सावन का महीना चल रहा है और महादेव के ऐसे और मंदिर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, इससे मेरा कार्य आसान हो जाएगा। हर 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 बोलिए, हर हर महादेव।